जब भी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट से पहले एक्ट वाइज समरी अगर आप लोग पढ़ लेना तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है? इसके अंदर, इस पूरी स्लाइड के अंदर आपको जो है ना एक्ट वाइज समरी भी मिल जाएगी। सबसे पहले हेनरिक जॉन इब्सन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इन शॉर्ट, कि लाइफ स्केच और उसके वर्क्स क्या थे। बॉर्न इन 1828 इन स्काइन नॉर्वे, हिज फादर न्यूट इब्सन वन इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ सी कैप्टन हैड बीन बॉर्न इन स्कीन इन 1797 एंड हैड मैरिड कॉर्नेलिया मार्टी ऑल्टनबर्ग। हिज चाइल्डहुड वाज नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी। उसका जो बचपन था कोई हैप्पी बचपन नहीं था। अनसोशलेबल चाइल्ड, फादर्स बिजनेस हैड टू बी सोल्ड टू मीट द डिमांड्स ऑफ हिज क्रेडिटर्स। और फादर का जो बिजनेस है वो सारा सोल्ड हो गया क्योंकि उसने डिमांड्स ऑफ हिज क्रेडिटर्स, उसके क्रेडिटर्स की डिमांड की वजह से। हैव टैलेंटेड फॉर पेंटिंग, सॉरी हैव टैलेंट फॉर पेंटिंग इन क्रिश्चियनिया ही पेंट हिज फर्स्ट प्ले Catiline 1849, written in blank verse. It sold only 45 copies and was rejected by every theater. Ibsen submitted it to for performance. While living in Germany in 1858, Ibsen married Susanna Thoresen, with whom he would have a son. Among his many works produced during this time were The Pretenders, Love Comedy, Pillars of Society, Ghost, Hedda Gabler, published in Munich, Germany. In your power, all the same, subject to your will and your demands, no longer free. No, that's the thought I will never endure, never. Ye Hedda Gabler Act 4 ka jo hai quote hai, uska text hai. और ये हेडा गैबलर जब देखती है कि वो जो है अब जो है जज ब्रैक की पार्स में आ गई है, तो एट दैट टाइम, क्योंकि हेडा एक ऐसी खातून होती है, एक ऐसी एरिस्टोक्रेटिक लेडी होती है जो अपने बाप की एक इकलौती औलाद होती है और उसके बाप ने उसको बिल्कुल ऐसे पाला होता है जैसे बेटों को पाला हुआ होता है, यानी कि फुली आज़ादी हर चीज में, और हॉर्स राइडिंग वो किया करती थी और वो किसी की पार अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करती थी। आप यहाँ पे एक फीमेल डोमिनेटेड जो है ना वीमेन देखेंगे जिसकी जो है मैनिपुलेशन पार्स बहुत ज्यादा, और वो जो है अपने ऊपर किसी का भी, यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड का भी जो है रोब वो बर्दाश्त नहीं करती। और ब्रैग जो कि उसको स्कैंडल, उसके साथ एक स्कैंडल चलाना चाह रहा था, उसको अपनी बिलव्ड बनाना चाह रहा था, जब हेडा जो है उसके जाल में फंसी तो हेडा ने एक्ट फोर में ये बात कही थी कि इन योर पार, जज ब्रैक को वो कहती है ऑल द सेम, कि वो कहती है कि तुम्हारी पार में ऑल द सेम, सब्जेक्ट टू योर विल, कि मैं तुम्हारी विल और विश की खातिर मैं झुक जाऊं, एंड योर डिमांड्स, और तुम्हारी डिमांड्स की खातिर मैं झुक जाऊं, नो लॉन्गर फ्री। इट मीन्स कि मेरी आजादी फिर आजादी कोई नहीं, यानी कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मैं तुम्हारी विल और तुम्हारी डिमांड्स के मुताबिक एक्ट करूं। नो लॉन्गर फ्री, नो दैट्स द थॉट आई विल नेवर एंड्योर। वो कहती है ये वो सोच है कि मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, एंड नेवर, ठीक है? वो अब यहाँ पे देखे ना, वो कहती है इन योर पार ऑल द सेम, और ये दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स, ये ही आती है, इन्हीं लाइन्स में से कोई एक लाइन आ जाती है एक्ट फोर में से। वो यही कहती है ब्रैक को कि देखो तुम्हारी पार में, इन योर पार एंड ऑल द सेम, ठीक है, तुम्हारी पार में रहना, सब्जेक्ट टू योर विल, तुम्हारी विल के मुताबिक सब्जेक्ट हो जाना, झुक जाना, और तुम्हारी डिमांड्स के मुताबिक एक्ट करना। इट मींस कि मैं अब पूरी की पूरी आजाद नहीं हूँ। नो दैट्स द थॉट आई विल नेवर एंड्योर। यहाँ से हेडा का कैरेक्टर जो है वो एक्सपोज होता है कि वो अपने ऊपर किसी की पार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मर जाना तो पसंद करती है लेकिन वो झुक जाना पसंद नहीं। तो हेडा का कुछ कैरेक्टर इस तरह का था। सम थीम्स ऑफ हिज राइटिंग्स आर सोशल ब्रेकडाउन, फेथ एंड ऑथेंसिटी वर्सेस सेल्फ सीकिंग एंड सेल्फ इंडल्जेंस, क्लास स्ट्रगल एंड इश्यूज ऑफ मोरालिटी डोमिनेट्स हिज कैरेक्टर, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ कैरेक्टर। ये साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है ना, ये बड़ी आती है आप लोगों के हेडा का जो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ कैरेक्टर है।
social concerns such as the venereal disease and the rights of women, or social concerns as जो वनरल डिजीज या फिर कोई राइट्स ऑफ सॉरी राइट्स ऑफ वुमेन जो है वो इसके अंदर ज्यादा एक्सपोज किए. इब्सन आल्सो रोट पोएट्री, हिज फर्स्ट एडिशन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 1871 एंड ही क्रिएटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ आर्ट वर्क ओवर हिज लाइफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ वाटर कलर्स, ऑयल्स, कार्टून्स एंड स्केचेस. ही सफर्ड अ स्ट्रोक इन 1901 दैट लेफ्ट हिम डेबिलिटेटेड for the next 5 years until his death in 1906. Burial jo hai cemetery of our savior also Oslo country Norway. Hedda Gabler, play by Ibsen, Henrik Ibsen. Hedda Gabler jo hai original language iski Norwegian hai. Subject a newlywed struggles with an existing. एक न्यूली वर्ड जो है स्ट्रगल करती है एक एग्जिस्टेंस के साथ. शी फाइंड्स डिवॉइड ऑफ एक्साइटमेंट, और वो जो है उस एग्जिस्टेंस को उस फैमिली को डिवॉइड ऑफ एक्साइटमेंट और एंटेंटमेंट, यानी कि उसको उस जगह पे जहाँ पे उसकी शादी होती है उसको वहाँ पे कोई एक्साइटमेंट और एंटेंटमेंट नजर नहीं आती. योनरा जो है इसमें ड्रामा है. सेटिंग जो है जॉर्जन टेस्मन विला क्रिस्टियानिया नॉर्वे 1890s. Hedda Gabler is a play first published in 1890 by Norwegian playwright Henrik Ibsen. The play premiered in 1891 in Germany to negative review, but has subsequently gained recognition as a classic. अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि Hedda Gabler जो है वो एक play है जो कि Norwegian प्ले राइट हेनरिक इब्सन ने लिखा है. द प्ले प्रीमियर्ड इन 1891 जर्मनी टू नेगेटिव रिव्यूज. ठीक है, जब वो प्रीमियर हुआ जर्मनी में तो इसके बड़े नेगेटिव रिव्यूज आए, बट हैज सबसिक्वेंटली गेन्ड रिकॉग्निशन एज अ क्लासिक ऑफ रियलिज्म. लेकिन उसको एक रिकॉग्निशन मिली एज अ क्लासिक ऑफ रियलिज्म 19th सेंचुरी थिएटर एंड वर्ल्ड ड्रामा. एक्चुअली Hedda Gabler एक ऐसा कैरेक्टर दिखा दिया इब्सन ने जो कि उस वक्त के दौर के मुताबिक जिस तरीके से ख्वातीन को दिखाया जाता था उससे टोटली ऑपोजिट था. इस वजह से इसको शुरू में तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले, बहुत सारे क्रिटिक ने इसको काफी ज्यादा बुरा भला कहा, लेकिन एट द एंड जो है इसको जो है एक रिकॉग्निशन मिली एज अ क्लासिक ऑफ रियलिज्म 19th सेंचुरी थिएटर एंड वर्ल्ड ड्रामा, और वर्ल्ड ड्रामा के तौर पर यह सामने आया. 1902 प्रोडक्शन was a major sensation on Broadway starring Minnie Madden Fiske, and following its initial limited run was revived with the actress the following year. Uske baad yahan pe dekhiyega, the character of Hedda is considered by some critics as one of the great dramatic roles in theater, the female Hamlet. Character of Hedda जो है वो कुछ क्रिटिक्स के सामने जो है वो एक ग्रेट ड्रामेटिक रोल था उसका थिएटर में फीमेल हैमलेट के तौर पे. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. बेटा मेरी ना एक्चुअली लाइट्स चली गई है. आप लोगों को मैंने जो स्लाइड शेयर की है ना उसको एज अ होमवर्क कर लें, बिकॉज अभी मेरे ख्याल है बार बार नेट जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहा है. तो अभी ये जो मेन हमारी स्लाइड है मैं चेक कर लेती हूँ. मेरे ख्याल है लास्ट ईयर शायद मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन बहरहाल अभी वैसे ही टाइम ओवर होने वाला है. इंशाल्लाह हम जो रिमेनिंग इसका जो टास्क है वो इंशाल्लाह जो है मंडे को कर लेते हैं. अभी आप सिर्फ इसको देखिएगा, मंडे को हम जब अपना टेक्स्ट शुरू करेंगे तो रिमेनिंग स्लाइड जो है हम तब भी पढ़ लेंगे, और बाकी ये कि इसका जो एक्ट वाइज समरी है वो आप लोगों ने इस स्लाइड से पढ़नी है. ठीक है, दुआ पढ़ लेते हैं. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.